आपके जेब में तो पैसा निकाला, नरेंद्र मोदी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, मुझे फांसी लगा दो कहते हैं, अगर काला धन वापस नहीं आया मुझे फांसी लगा दो। वो नीरव मोदी भाग गया 35,000 करोड़ रुपए लेके, विजय माल्या भाग गया, फिर फांसी की बात नरेंद्र मोदी ने नहीं की, फिर जीएसटी पे चले गए, जीएसटी के बाद पुलवामा, पुलवामा के बाद 370। मगर जो आपके सामने मुश्किलें हैं उसके बारे में नरेंद्र मोदी बात नहीं करेगा और ना उनको हल करेगा। लाउडस्पीकर है अंबानी और अदानी का, बस आप जाइए चाय की दुकान में चले जाइए, किसी भी छोटे बिजनेस फैक्ट्री में चले जाइए, उससे पूछिए भैया बताइए जीएसटी से आपका फायदा हुआ नुकसान। यहां मैं पूछता हूं आपसे, यहां पे नोटबंदी से आपका फायदा हुआ या नुकसान? गब्बर सिंह टैक्स से आपका फायदा हुआ या नुकसान? आपको एक गरीब व्यक्ति नहीं मिलेगा हिंदुस्तान में जो आपको कहेगा हां नोटबंदी से मुझे फायदा हुआ, गब्बर सिंह टैक्स से मुझे फायदा हुआ। जाके अदानी जी से पूछिए, अंबानी जी से पूछिए, माल्या जी से पूछिए, बताएंगे हां लॉटरी खुल गई हमारी, गब्बर सिंह टैक्स नोटबंदी से लॉटरी खुल गई हमारी, छोटे छोटे बिजनेस सब बंद हो गए, अब बस हमारा ही राज है और कोई बचा ही नहीं। सच्चाई हिंदुस्तान की। उद्योगपति कहते हैं इनको, भैया आज ये छापना है, आज चलो चांद की बात करेंगे, कल भैया मोदी जी कॉर्बेट पार्क जा रहे हैं, कॉर्बेट पार्क की बात होगी, चलो भैया आज 370 की बात करो, चलो भैया आज जम्मू कश्मीर की बात करो। अरे भाई रोजगार की बात कब करोगे, किसानों की समस्या की बात कब करोगे? और ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हिंदुस्तान का युवा देख रहा है, कह रहा भैया ये हुआ क्या? लोकसभा से पहले हमने कहा था कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम न्याय योजना लाएंगे, डायरेक्ट सीधा पैसा हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में जाएगा। क्यों कहा था ये कि हम आपको कोई फ्री गिफ्ट नहीं दे रहे थे, ये कोई तोहफा नहीं था, आप समझिए ये पैसा हिंदुस्तान की इकोनॉमी को जंप स्टार्ट करने का था। जैसे डीजल के इंजन में पेट्रोल के इंजन में फ्यूल डाला जाता है, न्याय योजना किसानों को मजदूरों के जेब में पैसा डालती, जैसे ही वो पैसा पहुंचता आप माल खरीदना शुरू करते, जैसे ही आप माल खरीदना शुरू करते फैक्ट्रियां चालू हो जाती, फैक्ट्रियां चालू होती युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाता। सीधी बात है। और दिन भर नरेंद्र मोदी की पब्लिसिटी होती है, नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते। मुझे एक बात बताओ, ये जो टेलीविजन में इनका चेहरा आता रहता है, अखबारों में इनका चेहरा आता रहता है, क्या ये मुफ्त में आता है क्या? ये फ्री में आता है क्या? ये न्यूज़पेपर वाले अखबार वाले इनको फ्री में मतलब जगह दे रहे हैं क्या? नहीं भाई साहब, ये आपका पैसा लूट लूट कर इनको पकड़ा रहे हैं, इसीलिए नरेंद्र मोदी का चेहरा आपको रोज देखना पड़ता है। मैं कुछ ही दिन पहले गुजरात गया, वहां पे छोटे व्यापारियों ने मुझे कहा देखिए हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया है, खत्म कर दिया है। मैंने पूछा कैसे? कहते हैं देखिए हमारा हीरे का धंधा था, कपड़े का धंधा था, आजकल गुजरात में 24 घंटा जीएसटी के बाद नोटबंदी के बाद 24 घंटा हमसे रिश्वत मांगने, कभी पुलिस वाले आते हैं, कभी अफसर आते हैं, कभी इनकम टैक्स वाले आते हैं, 24 घंटे हम जीएसटी फॉर्म भरते हैं और फिर उनको पैसा देते हैं, 24 घंटे हम उनको पैसा देते हैं, हमारा पूरा का पूरा बिजनेस ठप हो गया, खत्म हो गया। और यही कहानी महाराष्ट्र में, यही कहानी गुजरात में, कर्नाटक में, सब जगह यही कहानी है। जो काम करता है उसकी रीढ़ की हड्डी नरेंद्र मोदी ने तोड़ दी, और जो रिश्वत लेता है इनकम टैक्स वाले, ये सारे के सारे लोग
इनको पूरा का पूरा आपका पैसा पकड़ा दिया नरेंद्र मोदी ने, और ये चलेगा। आप देखना अभी जो हालत है ना, 6 महीने बाद देखना, आज जो बेरोजगारी है उससे 6 महीने में दुगनी हो जाएगी। तो आपकी हालत जब तक नरेंद्र मोदी जी वहां बैठे हुए हैं तब तक सुधरने वाली नहीं है। आपके सामने एक ही ऑप्शन है, महाराष्ट्र में सरकार बना दो, कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सरकार बना दो, महाराष्ट्र में हम ठीक कर देंगे। अभी दिल्ली के चुनाव में थोड़ा समय है, वहां पे भी बाद में ठीक होगा, मगर आपका आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, अभी आप इसको ठीक करिए।